जैसा आपको याद होगा कि 2 तारीख को अलवर गेट थाना ने 22 चोरी के मुकदमों की 22 चोरी की बाइकें जब्त की थी 3 व्यक्तियों से, ज्ञान सिंह और महावीर और उसके एक साथी से। उस दिन एक और नाम सामने आया था हिम्मत सिंह का, जिसकी तलाश हमें थी और उस दिन हम उसे नहीं पकड़ पाए थे। कल हमने उसे गिरफ्तार किया है और उससे गहन पूछताछ के बाद और बाकी 3 व्यक्ति को हमने PC में लिया था, उन चारों से पूछताछ करके हमने 9 बाइकें और जब्त की हैं, जिसमें 2 चेंचिस हैं, पूरी साबुत नहीं है, बाकी 7 हमने साबुत बाइकें जब्त की हैं और आगे पूछताछ इसमें जारी है। सर, ये बाइकें और किसको कहाँ बेचते थे? कोई पार्ट्स भी खरीदता था इसे तो शहर? ये इस तरीके से बाइकों को चेंज कर देते थे कि जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसे इसका अंदाज़ा नहीं होता था कि ये चोरी की बाइकें हैं, वरना तो ऐसा नहीं हो सकता कि 100 से ज़्यादा बाइक कोई कर दे और कोई भी व्यक्ति आज तक सामने ना आए। तो इनसे कोई बेची भी बाइक बरामद किए गए किसी ने? नहीं, इनके अभी तक वर्कशॉप से ही बाइक बरामद की है, जितनी भी बाइकें बरामद हुई हैं। तो शहर में वैसे कोई पार्ट्स, जैसे इसका पहले सामने आया था कि पार्ट्स बेच रहे हैं, तो पार्ट्स की कोई पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल्स? हमने इनके वर्कशॉप से तो कुछ पार्ट्स और वगैरह जब्त जरूर किए हैं, लेकिन इन्होंने कहाँ अभी बेचा है और कितने जनों को बेचा है ये ऐसे खुले बेच देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ का हेडलाइट का बल्ब निकाल के बेच दिया तो ये प्रूफ कर पाना और इसे इसकी जड़ तक जा पाना किसको बेचा ये बहुत मुश्किल हो जाता है, बट इससे पूछताछ अभी भी जारी है। सर, ये कहाँ से चला रहे थे अपना नेटवर्क? ये इनके 2 वर्कशॉप हैं, एक बड़लिया में, एक गोडा गाँव में, तो यहाँ दोनों जगहों से विशेष रूप से ये बेच रहे थे। RTO से भी इनका कोई लिंक है? नहीं, RTO से अभी कोई लिंक ऐसा सामने नहीं आया। जिस तरह से ये कागज बना रहे थे, दस्तावेज, कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कागज के भी खरीदने को तैयार रहते हैं अगर बाइकें बहुत सस्ती मिल जाती है। ऐसे गांव के लोग हैं, आपने देखा है कि कई लोग जिनके पास बाइक भी रहती है और कागज वो साथ नहीं रखते, घर पे रख देते हैं, तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो कम दामों में बिना कागज के भी खरीदने को तैयार रहते हैं, जिसमें उनका कोई मेल इंटेंशन नहीं रहता। सर, ये जो रुपया आता था इसका क्या करते हैं? रुपये तो आपसी पर्सनल यूज़ के लिए लोग खर्च करते हैं, और अगर कोई विशेष, जैसे कोई भी नॉर्मल आदमी करे, कुछ कोई गर्लफ्रेंड वगैरह या कोई ऐसी ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं है, ऐसी कोई विशेष बात सामने। इस गिरोह में और भी है क्या सर? अभी तक तो मेन 4 मुलजिमों के ही नाम आ रहे थे, और पूछताछ इनसे कर रहे हैं, अगर कोई और नाम सामने आएगा तो हम उसे ज़रूर।